दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप लोग एक नए यूज़र हो और आप लोग फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग को फ्लिपकार्ट का आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोग को जो है प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो हम जाते हैं प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा फ्लिपकार्ट, तो उसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो आपको यहाँ से सर्च कर लेना होगा, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो ये रहा फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट सर्च करूँगा, मेरा फ्लिपकार्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। डाउनलोड कर लेना आप लोग और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आपको अकाउंट को यहाँ से क्रिएट करना है। तो मेन आपको देखना है कैसे यहाँ से क्रिएट हुआ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो है अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी भी बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप लोग प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे लॉगिन का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ मोबाइल नंबर डालने का। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर आप लोग यू जीमेल पर क्लिक करके जीमेल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है मोबाइल नंबर से साइनअप करना चाहता हूँ, तो मुझे मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करना है। जैसे प्रेस करूँगा हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो हम उस OTP को इसमें डाल देंगे। तो हम वेट करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में OTP आता है, देखो आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो गाइज यहाँ पे OTP हम लिख चुके हैं। अब आपको वेरीफाई करना है, क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे पूरा कंटिन्यूली आपका अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों, मतलब अकाउंट बनाना तो बहुत इजी है, छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे अकाउंट बना सकता है फ्लिपकार्ट का। तो अकाउंट बनाना काफ़ी ईजी है, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट में सेटअप करना थोड़ा सा हार्ड है। तो इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अपना एड्रेस ऐड करना है, ताकि आप लोग किसी प्रोडक्ट को अगर आप लोग ऑर्डर करो तो आपके जो है आपके एड्रेस पे आ जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा अकाउंट बनाने का प्रोसेस। अब आपको मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में कि कैसे आपको जो है एड्रेस डालना है। एक वीडियो बनाऊंगा तो बोर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको साइनअप करना है। तो काफ़ी ईजी था, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो में।